सो राधे राधे अस्सलाम वालेकुम जय हिंद मैं हूँ वैशाली और जी वेलकम टू सो लेट्स स्टार्ट अ वेरी वार्म मॉर्निंग सो आज के सेशन में हम बहुत कुछ कवर करेंगे गाइस ये जो सेशन है लिटरली आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे यूजफुल रहने वाला है if we talk about cut ug pg other one year entrance examination your university entrance examination sare exam examination ke liye ye session literally bahut zyada important hai chaliye so let's start with the our first question of today hamara pehla question kya kehta hai guys hamara pehla question kehta hai ki according to the us census bureau what is the world population in January 2024? थाउजेंड ट्वेंटी फोर ये आज मैंने आपको सुबह ही पढ़ाया हुआ है फटाफट -फड़ से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट फड़ से बताइए गाइस योर करेक्ट आंसर 8 मिलियन ठीक है तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हम यहाँ पे जो आ, हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो जनवरी फर्स्ट टू तक क्या है एट बिलियन ठीक है अप्रोक्स चलिए थोड़ा सा देख देखते हैं इसके बारे में हालांकि वी हैव डिस्कस दिस इन द मॉर्निंग देखिए जो आपका यूएस सेंसेस ब्यूरो है उसने रिलीज़ किया है वर्ल्ड पॉपुलेशन फिगर और अकॉर्डिंग टू दिस फिगर जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ये इंक्रीज हो जाएगी एट बिलियन जनवरी वन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर को अच्छा साथ ही साथ जनवरी वन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बात करें जो पॉपुलेशन है ये सेवन पॉइंट नाइन फोर बिलियन यहाँ पर हो जाएगी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ये इंक्रीज कर दी गई है सेवन सेवनटी फाइव मिलियन यू नो पीपल एक साल में ठीक है इन वन ईयर साथ ही साथ अगर हम इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो 12 साल लग गए भाई हमारी आ, हमारी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में बाय वन बिलियन ठीक है चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर दर टू 2024 ट्वेंटी फोर एज ईयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन के संगठन ने वर्ष 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन वर्ष यहां पर घोषित कर दिया है फटाफट -फड़ से आंसर करेगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर क्या हो A, -E -E क्या होगा योर हियर विल बी ए दैट इज सभी को क्लियर है चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में फुल फॉर्म क्या आई आरईडी -E का इंडियन रेनबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड अगर हम यहाँ की बात करें सो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि ये जो एजेंसी है आ, इसको डिक्लेयर किया गया है इसने डिक्लेयर किया है इू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ईयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड दो हजार चौबीस स्टार्ट हो गया है और बहुत सारी चीजें बहुत सारी नई फैसिनेटिंग चीजें इस साल आपको आने वाली हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस साल का कि हम अपने जो हमारा फ्यूचर रोडमैप है उसको बना सके एक नई स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजीज और जोग्राफिकल एरियाज को कंसिडर करते हुए इंडिया रेन्यूबल एनर्जी की बात करेंगे तो ये जो ये जो डेवलपमेंट एजेंसी है की गई थी आ, 1987 AD में ही में साथ ही साथ साथ अगर हम बात करें आपके आ, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है इनका नाम है प्रदीप कुमार दास क्या सभी को न्यू चेयरमैन ऑफ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हाल ही में किसे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ द इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त कर दिया है सो करेक्ट आंसर विल बी रविंद्र कुमार त्यागी करेक्ट आंसर विल बी रविंद्र कुमार त्यागी चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में जो आपकी फाइव न्यू कंट्रीज है ठीक uh, है उसने अभी हाल फिलहाल में ब्रिक्स को यहाँ पर ज्वाइन किया है ठीक है uh, और जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में तो मैंने आपको सुबह वाले सेशंस में भी बताया था कि नाउ हाउ यू हैव टू रिमेंबर रिमेम्बर ब्रिक्स कंट्रीज भाई अब देखो पहले तो पांच थी डी आर आई सी एस राइट राइट ब्राजील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका लेकिन अभी पांच नए ऐड हो गए हैं पहले तो छह ऐड होने वाले थे हमने पहले पढ़ा था कि मेंबर्स विल बी एडेड लेकिन अभी सिर्फ पाँच मेंबर्स ठीक है फाइव से सुनो सभी लोग देखो अगर हम यहाँ पे ब्रिक्स अभी हम मेंबर नेशंस की बात करें तो ब्रिक्स के मेंबर नेशंस कितने बढ़ चुके हैं आर आर कंट्रीज नाउ मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स प्रेजेंट में टेन मेंबर्स हैं आपके ब्रिक्स के ठीक है टेन कंट्रीज अब कौन कौन सी कंट्रीज है एक तो आपके ब्रिक्स है बी आर आई सी एस प्लस ईरान सी यू ईरान सी यू ठीक है अब थोड़ा सा ध्यान से देखो बी स्टैंड ब्राजील बी स्टैंड फॉर ब्राजील आर स्टैंड फॉर रशिया क्लियर बात है आई स्टैंड फॉर प्यारा भारत इंडिया सी स्टैंड फॉर चाइना एस स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका राइट ईरान दैट इज ईरान एस स्टैंड्स फॉर सऊदी अरेबिया ई स्टैंड्स फॉर इथोपिया ई स्टैंड्स फॉर इजिप्ट एंड यू स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्या सभी को क्लियर है तो ये हमारी कुछ फाइव टेन कंट्रीज है जो शामिल हो चुकी हैं आपकी ब्रिक्स में क्लियर है सभी को देख टेन टेन मेंबर कंट्रीज हो चुकी हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में चलिए आगे बात करेंगे राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच स्टेट सो इट इज हिमाचल प्रदेश क्लियर है चलिए हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयड स्टार्टअप स्कीम जो स्कीम है एनकरेज करती है जितने भी हमारे रूरल यूथ है ठीक है जो हमारे रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं वहां के जो यूथ है ये इंस्टॉल कर सके सोलर पावर प्लांट्स अपने लैंड ला, अपने लैंड में और एनकरेज और यहाँ पे एनकरेज किया जा रहा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेयर हैज एन ई एच एच डी सी प्लान टू सेटअप दष्टलक्ष्मी हट

एनई एच डी सी क्या सी -E कैसे क्या है नॉर्थ ईस्टर्न ईस्टर्नडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट जो हाथ के बने काम करते हैं ठीक है आ भाई उसका एक पूरा कॉरपोरेशन है वो यहां पर ये यह डेवलप कर रहा है क्या सभी को क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं काइज आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन पॉइंट कि भाई हमारी नई बैच स्टार्ट हो रही है ठीक है Uh, और आपके सी यू टी यू जी और सी यू टी पी जी के लिए इफ़ यू लिटरली वट टू एनरोल एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन अ फुल स्विंग बहुत ही फोकस होकर आप अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हो और चाहते हो कि uh, यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए सो वट यू नीड टू डो इज यू नीड टू हैव दिस बैच विद यू ऑल

Uh, उद बिलाव का पहला जो मामला है वो सामने आया है तो कहां पर आया बेटा करेक्ट आंसर या विल बी केरला केरला में यहां पर आ चुका है ठीक है चलो थोड़ा सा देखते हैं ये जो आपका यूरेशियन ऑटर है ये स्पॉट क्या गया है केरला में पहली बार यूरेशियन ऑटर ये चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में भी पाया गया था और चिरार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है आपके केरला में जो आपका यूरेशियन आउटर है ये एक सेमी सेमी सेमीक्वेटिक मैमल है uh, जो बेसिकली यूरेशिया का नेटिव है नेटिव आई मीन यूरेशिया में रहने वाला है और इसको एंडेंजर्ड स्पेशीज यू नो बनाए आई मीन एंडेंजर्ड स्पेशीज के रूप में शामिल किया गया आई यू की रेड डेटा बुक में आई हर साल रेड डेटा बुक रिलीज करता है रेड डेटा बुक में क्या होता है इस बुक में जितने भी एंडेंजर्ड स्पेशीज़ है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें रहती हैं इनबिल्ट रहती हैं तो भाई आई की रेड डेटा बुक में भी ये चीज यहां पर शामिल कर दी गई है ठीक है क्लियर है क्या सभी को चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट

हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने इशू किया था ये नोटिफिकेशन इस रिकार्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड किया है यू नो you know, किया था कॉन्स्टिट्यूशन में में अगस्त 2023 कि हमें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस भी इस कम्युनिटी को यहां पर देना चाहिए ठीक है चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे ये ऑब्जर्व किया जाता है किस डेट में ये ऑब्जर्व किया जाता है जनवरी थर्ड को जनवरी थर्ड को यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द गवर्नर ऑफ विच स्टेट इनग्रेटेड दी कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी अंडर दी आयुष्मान स्कीम किस राज्य ने राज्यपाल ने आयुष्मान योजना के तहत आपका कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का उद्घाटन किया है करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा हरियाणा 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 दी करेक्ट आंसर। जो गवर्नर है बंदारू दत्तात्रेय उन्होंने इनोग्रेट किया कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी अंडर आयुष्मान भारत स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट ने एक इम्पॉर्टेंट नो uh, uh, you know, दिया है एज कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी हमारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और जो उनके डिपेंडेंट्स हैं नए साल में क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैजॉप्ड आर्ट एंड कैपिटल लिस्ट ऑफ़ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर मोस्ट पावरफुल यू नो पासपोर्ट्स इट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ठीक है सो आर्ट एंड कैपिटल की दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है इट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये टॉप पोजिशन पर है अगर देखा जाए तो और आर्ट एंड कैपिटल ये ग्लोबल कंसल्टिंग फॉर्म है ठीक है आर्ट एंड कैपिटल ने रिलीज किया है लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हमारे वर्ल्ड में और वन थर्टी थ्री कंट्रीज इसमें शामिल की गई है इन विच यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज एट दी टॉप क्लियर है क्या सभी को चलो सो so, ये वो कूपन कोड है जिसकी मैं बात कर रही थी ये कूपन कोड आप यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सकता है आपके सारे कोर्सेज पर क्लियर है क्या सभी को चलिए सो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन ऑफ टूडे आई होप यू लव सेशन और गाइज़ यहाँ पर वॉट यू नीड टू डू इज़ दैट यू नीड टू प्रिपेयर वेरी रिग्रसली फॉर योर एग्जामिनेशन एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई करके आपको एग्जामिनेशन में क्रैक करना है ठीक है चलिए सो गाइज थैंक यू सो मच लव यू ऑल जय हिंद थैंक यू एवरी मच लव यू ऑल और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज में बाय टेक केयर जय हिंद